जय हिंद। देखिए, अभी कुछ महीने पहले इसराइल को लेकर जो मिडिल ईस्ट का एरिया था, ये मिडिल ईस्ट में काफ़ी अशांति चल रही थी। अभी क्या है कि सेंट्रल एशिया में थोड़ा सा अशांति आ गया है। सेंट्रल एशिया में जो अशांति आई है वो आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर, ये दोनों युद्ध के कगार पर है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी ये बहुत साल पहले हुई थी, थोड़ा उस पर नज़र डालते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1945 में, इसकी जब समाप्ति हो गई थी तो एक शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध कोल्ड वार में दो देश लड़ रहे थे, बेसिकली एक ओर से अमेरिका था, दूसरी ओर से यूएसएसआर था। ये थे, इसे पहली दुनिया कहा गया जो इसके साथ थे, और ये पहली दुनिया कहलाया। जो रूस के साथ थे वो दूसरी दुनिया कहलाया, जो इन दोनों में से किसी के साथ नहीं थे उसे तीसरी दुनिया या दक्षिणी देश या विकासशील देश कहते हैं। जिन्होंने नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, हम किसी के गुट में नहीं रहेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। एक्चुअली क्या था, कोल्ड वार के वक्त में जो पहली दुनिया वाले देश थे यानी जो अमेरिका के साथ थे, और जो दूसरी दुनिया वाले देश थे यानी जो रूस के साथ थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। अमेरिका चाहता था इसके दोस्तों को बर्बाद कर दे, और रूस चाहता था इसके दोस्तों को बर्बाद कर दे। इसी चक्कर में करोड़ों लोगों की जान गई, बहुत सारे देश बर्बाद हो गए, सब समझ में गया। तो अब भारत होशियार तक आ कि हम किसी में नहीं जाएंगे। स्लाइटली वो भले रूस की ओर आ गया लेकिन वो किसी के फेवर में नहीं गया। तो तीसरी दुनिया में हम आते हैं, तो तीसरी दुनिया को हम दक्षिणी दुनिया या विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री भी कहते हैं। इसी सिलसिले में घेरा गया था बीच में जर्मनी। अब देखिए, ये जो रूस आप यहाँ देख रहे हैं, उस वक्त तक रूस यहाँ तक था, इतना बड़ा था रूस। ये तो रूस टूट के अलग हुआ है, उस समय रूस का नाम यूएसएसआर था, सोवियत संघ। तो ये जगह है जर्मनी। इस जर्मनी के बीच में दीवाल चला दी गई, बर्लिन की दीवाल। आधी जर्मनी अमेरिका के फेवर में हो गई, आधी जर्मनी रूस के फेवर में। सोचिए, अगर किसी देश के बीचों बीच में अगर आप एक दीवाल चला दें, इतनी लंबी दीवाल, और इस दीवाल के एक साइड के लोग दूसरे विचारधारा के, एक दूसरे विचारधारा के, एक साल एक और का देश दूसरी मानसिकता को रख रहा है और एक दूसरी मानसिकता को। ये दीवार 1961 में बनाना चालू की गई थी, लेकिन इस दीवार का अंत हो गया 1989 में। बहुत से लोग जो थे आपस में एक हो गए। अब जरा सोचिए, जर्मनी को अगर आप कहते हैं कि कब स्वतंत्र हुआ, तो 100% जर्मनी जो था, जर्मनी वो ऑटोनोमन हुआ 1989 में। बहुत लोग का आप जो वीडियो देख रहे हैं, जन्म तिथि होगा इतना यहाँ पर, यहाँ आजाद हुआ 100%। वही जर्मनी जो हिटलर का था, हिटलर के मरने के बाद अमेरिका और ये ब्रिटेन रूस वाले बांट लिए थे उसको। तो जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार तोड़ी गई थी वो 1989 को तोड़ दी गई थी। इस दीवार को तोड़ने की सिलसिला बहुत पहले से चलने आ गया था, क्योंकि जर्मनी के लोगों को लग गया कि हम अमेरिका और रूस के चक्कर में हम पिसा जाएंगे, इससे अच्छा ये लोग दीवाल में थोड़ा थोड़ा भोंका कर देते थे। भोंका समझते हैं आप लोग ना, लार्ज साइज ऑफ होल इज नोन एज भोंका इन आवर बिहारी लैंग्वेज। तो ये बिहारी भाषा में छेद को क्या कहा जाता है, भोंका कहा जाता है। तो उसमें ये लोग हाथ उत मिलाते रहते थे। धीरे धीरे ये लोग फोड़ फाड़ करना चालू हो गए लोग, और एक समय ऐसा अचानक 1989 में बर्लिन की दीवार पे लोगों ने चढ़कर इस दीवार को तोड़ दिया, और जर्मनी को पूरी तरह से कह दिया कि हमारा कोई पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी नहीं रहेगा, अब हमारा क्या रहेगा, स्वतंत्र जर्मनी रहेगा। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई। बर्लिन की दीवार तोड़ने के पीछे मेन रीजन है, इसकी चर्चा कभी और करेंगे। अभी जो मेन हमारा मुद्दा है वो आर्मेनिया बात है। तो इस दीवार को तोड़ने के बाद रूस का दबदबा हट गया, थोड़ा कम हो गया। रूस का पुराना नाम यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। सोचिए, इसकी पहुंच जर्मनी तक थी। ये रहा आपका जर्मनी, और ये यहाँ तक था, और ये अफगानिस्तान के ऊपर तक था, यहाँ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पूरे भारत तक था आपका यूएसएसआर। अब जैसे जर्मनी के लोग स्वतंत्र हुए, यूएसएसआर में भी टूटना प्रारंभ हो गया। यूएसएसआर के कई देशों ने कहा कि हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। कई देश इससे बिखरने लगे सब। और आप विश्वास कीजिएगा, रूस यूएसएसआर से 15 देश टूट गए सब। इस 15 देश में सबसे बड़ा जो देश था वो था रूस। यूएसएसआर अभी देखिएगा तो ये इतना बच गया है, ये रूस है। अभी भी यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का 75% भाग जो है वो किसका पास है, रूस के पास है। लेकिन 15 देश टूटे सब। 15 में कौन कौन, एक हो गया रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यही 15 देश हैं, आप गिन लीजिएगा। हालांकि नक्शा का क्लास तो स्टार्ट हो गया है, उसमें आपको पूरी दुनिया का देश याद करा देंगे। फिर आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कितने देश टूटे। अगर आपसे कोई पूछे कितने देश टूटे, तो ये मत बोलिएगा कि 15 देश, बोलिएगा हम बोलते हैं गिन ले, जो नक्शा वाले स्टूडेंट है क्लास के, आज से स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट क्लास था उसका। तो ये 15 देश इसमें से टूट गए थे सब। इन 15 देश टूटने के बावजूद यहां एक नीचे छोटा सा देश था जिसका नाम था चेचन्या। अभी भी वो टूटा नहीं है। चेचन्या कह रहा था कि भाई हम इतना जब टूट गए ऐसा, तो हम भी टूटेंगे यहां से, चेचन्या हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। तो चेचन्या भी टूटना चाहता था। चेचन्या बार बार रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर देता था।
अब बहुत से लोगों को लगता है एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। नहीं भैया, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। एक्चुअली देश की गणना, देश की गिनती उसकी राजधानी के हिसाब से होती है। जैसे भारत को दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जैसे चीन क्या कहता है, दिल्ली अपने कदम पीछे खींच ले, मतलब देश की पहचान उसकी राजधानी से होती है। तो आप किस महाद्वीप में गिने जाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी राजधानी किस महाद्वीप में है। तो रूस का 75% भाग एशिया में है, लेकिन उसकी राजधानी मॉस्को जो है वो रूस में यूरोप में चली जाती है, इसलिए रूस को यूरोपियन कंट्री गिना जाता है। इस हिसाब से चाइना एशिया का सबसे बड़ा कंट्री हो जाता है। तो ये यहाँ पर बार बार हमला करते रहते थे। तो इसी में एक केजीबी का आदमी था, जो केजीबी वहाँ की जासूसी एजेंसी है, उसने कहा कि रुको तुम्हारे हम व्यवस्था कर देते हैं चेचन्या के लोगों को। अब इसने क्या किया, केजीबी का जो एजेंट था उसने चेचन्या के, ये जो चेचन्या है, यहाँ के कुछ आतंकवादियों को कहा कि तुम आके मास्को में मार दो बम। उन लोगों ने मास्को में आके बम मार दिया, यहाँ पर एक बिल्डिंग उड़ा दिया। अब ये जो था आदमी जासूस जो था, ये इसका फुल प्लान था। इसके बाद ये मीडिया में आता है अचानक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाहर में गए, सलाहकार था ये, सुरक्षा सलाहकार आया और कहा कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे, और सैनिकों के हेलमेट पर कैमरा लगाया और 20,000 से ज़्यादा सैनिक उतार दिया चेचन्या में, और चेचन्या में घर में घुस घुस के उन सैनिकों ने गोली मारा था, इससे कि रूस के लोग इस व्यक्ति को पसंद करने लगे। इसका नाम था व्लादिमीर पुतिन, और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन हीरो बन के निकला, और 2002 के बाद से ये गद्दी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2022 में इनका पूरा हो रहा था 20 साल। एक्चुअली रूस में जब संविधान लागू हुआ था तो कहा गया था कि 10 साल से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता है और 10 साल से ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। तो 2002 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश की सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास थी, जैसे भारत के प्रधानमंत्री के पास शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो 2002 से 2010 तक ये दो कार्यकाल रहे। अब प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तो खत्म, इनका तो कार्यकाल खत्म हो गया, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में चले गए और राष्ट्रपति बन के और सारी शक्तियाँ ट्रांसफ़र करा ली कि जितनी भी शक्तियाँ, अब प्रधानमंत्री किसी काम का नहीं, राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति रहेगी। देखो भाई साहब, कितना खतरनाक आदमी है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की भी पत्नी से नहीं जमता, जैसे नरेंद्र मोदी का नहीं है। अब ये पता नहीं का है, जिसका जिसका पत्नी से झगड़ा हुआ ससुरा महान आदमी बन जाता है। महात्मा बुद्ध ने भी पत्नी को छोड़ दिया, महान बन गए। महावीर स्वामी महान बन गए, नरेंद्र मोदी महान बन गए, पुतिन महान। अब पता नहीं, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, अब आप सोचिएगा, हम ही थोड़ी करें कि आप पत्नी छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब ये क्या किया कि सारी शक्तियाँ किस में पास ला दिया, राष्ट्रपति के पास ला दिया। तो अभी रूस के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। 2022 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, क्योंकि 10 साल तो भैया ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह चुके थे, 10 साल राष्ट्रपति भी रह गए थे। अब 22 में कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो इनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया, कोरोना। क्योंकि कोरोना में कोई प्रदर्शन और दर्शन होगा नहीं, प्रदर्शन होगा तो भाई साहब एक बार चेचन्या में तो गोली मरवाइबे किए थे, प्रदर्शन कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिया कि ये एक विशेष परिस्थिति के तहत 2035 तक रहेंगे। तो ये भाई साहब 2035 तक रहने वाला है। इसका आप जवानी का फोटो देखिए, जब चेचन्या वाला विवाद था। तो ये चेचन्या, आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है चेचन्या आतंकवादी संगठन कहाँ है, तो रूस का ये वाला भाग में। लेकिन इसी चेचन्या के नीचे तीन और देश थे सब, जो रूस से टूटने में कामयाब हो गए सब। अब ये जो देश था यहाँ, ये वाले देश, ये रूस से अलग हो गए सब। यहाँ पर ये व्लादिमीर पुतिन साहब का जवानी का फोटो है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो तीन देश हैं, ये जो देश आते हैं, ये दोनों ओर से सागर से घिरे हुए हैं। इस साइड में अगर देखेंगे तो उधर में काला सागर है और इस साइड में कैस्पियन सागर है। हालांकि कैस्पियन सागर, सागर नाम है, वो है एक झील, वो सागर नहीं है, वो झील है, वहाँ पे नाम बस उसका क्या है, सागर है। तो ये यहाँ पर है। अब एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है। इस पहाड़ को बोलते हैं काकेसस माउंटेन। अब काकेसस पर्वत पर स्थित तीन देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तीनों का नाम याद रखेंगे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। नक्शा के क्लास में आपको पूरा बताएंगे। ये काकेसस माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एल्बुर्स। तो माउंट एल्बुर्स जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, 5642 मीटर इसकी हाइट है, जो रूस में चली जाती है। अब यहां देखिए, ये जो पर्वत है, ये पर्वत का नाम है काकेसस पर्वत। इसकी हाइट अधिक होने के वजह से यहाँ पर सैनिक के दृष्टि से यहाँ फायदा होने वाला है। यहाँ कितने देश आते हैं भाई, तीन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अगर आप नक्शा को इस हिसाब से देखिएगा तो ये देखिए रूस, ये निचला भाग हो गया चेचन्या। अब यहाँ पर है, ये देखिए, ये इधर वाला हो गया जॉर्जिया, ये बीच में हो गया आर्मेनिया, और ये वाला हो गया अजरबैजान। एक और हो गया काला सागर, एक हो गया कैस्पियन सागर, नीचे में आपका ईरान वगैरह है। अब यहीं पर विवाद चालू हो गया है जॉर्जिया और आर्मेनिया के बीच में। अब ऐसा विवाद क्या हो गया, इस नक्शा में देखिए, ये बड़ा वाला जो नक्शा देख रहे हैं जॉर्जिया, ये भी रूस से ही टूटा है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, काकेसस। ये कहता है कि भाई हम यहां तक तो थे ही नहीं, हमारा पूरा एरिया यहां तक है,
इसका कहना है कि मेरा पूरा एरिया यहाँ तक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पीला वाला एरिया अजरबैजान है और ये वाला भी एरिया अजरबैजान है, यानी एक देश है जो दो टुकड़ों में है और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं नक्शा में, अगर अच्छा से अगर आप देखिएगा तो अजरबैजान आपको दो जगह दिख रहा होगा, एक ये भी अजरबैजान है और एक ये भी अजरबैजान है, ठीक है। अब अजरबैजान का क्या कहना है कि भैया हम लोग पहले एक ही में थे, हमारी बीच की जमीन को आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया। ये किसका कहना है? अजरबैजान का कहना है। आर्मेनिया में मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन भी है, लेकिन ज़्यादा यहाँ क्रिश्चियन है और अजरबैजान में ज़्यादातर मुस्लिम है। यहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों है अजरबैजान। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू वो किस लिए फेमस है, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू पेट्रोलियम के लिए फेमस है। अभी कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन मतलब 8-10 साल पहले, अजरबैजान के वहाँ के राजा रानी का फोटो आया था, वो पेट्रोलियम में नहा रहे थे लोग। अजब वाले में कोनो माचिस मार देगा धधक जाएंगे लोग वहाँ पे। तो ये है अजरबैजान। अब इस अजरबैजान में विवाद समझिए, इसमें आपको एक ब्राउन कलर का एरिया दिख रहा होगा। ये ब्राउन कलर का एरिया जो है ये अजरबैजान की जमीन थी, आर्मेनिया की आर्मी ने कब्जा कर दिया, ये अजरबैजान का कहना है। लेकिन इसी ब्राउन कलर के बीच में आप ये केसरिया रंग का देख रहे होंगे, ये केसरिया को लेकर विवाद चल रहा है। इसको मेन, इसका जो नाम होता है उसे, उसका ये जो केसरिया वाला है इसे कहते हैं नागोर्ना का एरिया है, जो नागोर्ना कोराभाक, ये नागोर्ना का जो एरिया है इसी को लेकर विवाद हो गया। क्या विवाद है? तो नागोर्ना जो है ये कहता है कि हम अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ना हम आर्मेनिया में रहेंगे ना अजरबैजान में रहेंगे, सेम कश्मीर वाला मुद्दा, ना पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। इनका भी हाल वही होने वाला है। तो ये जो नागोर्ना वाला एरिया है इस पे अजरबैजान कहता है कि हमारा है, आर्मेनिया कहता है हमारा है, और ये कहता है कि हम स्वतंत्र रहेंगे। अब इसी में जो नया क्लेश हुआ है, इसमें दोनों के बीच में हमेशा 1990 में, ये 1991 में सोवियत संघ टूटा था 15 देश में, यूएसएसआर 15 देशों में टूटा था। अब उसी वक्त से इन दोनों देशों में, आर्मेनिया और अजरबैजान में, इस एरिया को लेकर हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जैसे कश्मीर में हमेशा गोलियाँ चलती रहती हैं, वैसे यहाँ भी गोलियाँ चलती रहती हैं। अब तक 30,000 लोग यहाँ मारे जा चुके हैं जो निर्दोष थे, इधर की गोली में या इधर की गोली में। अभी हालिया घटना में क्या हुआ है कि आर्मेनिया के हेलीकॉप्टर को, सॉरी अजरबैजान के हेलीकॉप्टर को मार के गिरा दिया आर्मेनिया वालों ने। आर्मेनिया की आर्मी ने कहा कि हम इसके हेलीकॉप्टर को मार के गिरा दिए, ये कह रहा है कि अभी नहीं गिराए हैं, ऐसा मामला चल रहा है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में अगर युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन। तो देखिए पावरफुल के मामले में देखेंगे तो आर्मी जो है आर्मेनिया की पावरफुल है और वर्ल्ड लीडर भी ज़्यादातर आर्मेनिया के साथ में है। सब ज़्यादातर अगर वर्ल्ड लीडर को देखेंगे तो ये जो आर्मेनिया, ये है ना आर्मेनिया अजरबैजान, दो देश हैं यहाँ पर वर्ल्ड में। तो जो इस्लामिक कंट्री हैं सब, तो जिस इस्लामिक कंट्री का जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये लोग अजरबैजान के साथ हैं। और तुर्की भाई साहब वो भी अजरबैजान के साथ खुल के हैं। पाकिस्तान तो अजरबैजान के साथ इतना खुल कर है कि कहता है कि आर्मेनिया कोई देश ही नहीं है। इन इन ससुरों का एक अलग ही लेवल है। अरे भैया पूरी दुनिया देख रही है, तुम कहते हो कि एक ये नहीं है, देश ही नहीं है, हद है भैया। तो आर्मेनिया वाले भी लोल हैं सब, उन सबों की बोलना चाहिए कि भाई बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का है ये नहीं है, जब दूसरे को खोखोरिएगा ना तब उसको समझ में आता है, तो उसको भी कह देना चाहिए बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं है। तो ये तो उसको अस्तित्व ही नहीं मानते हैं। खैर इनके मानने ना मानने से क्या मतलब बनता है, ये लोग तो इसराइल को भी कहते हैं कोई देश नहीं है इसराइल यहाँ पर। और हम शुक्र मनाओ भाई पाकिस्तान के, हमारे देश में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई, जिनको हम क्या बोले प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, लेकिन कुछ नहीं बोले। जिस प्रधानमंत्री ने हमारे 200 जासूस जो रॉ के एजेंट थे उनको पाकिस्तान में कटवा दिया एकदम, इसी प्रधानमंत्री की गलती से। अगर वो प्रधानमंत्री इजराइल का बात मान देता ना पाकिस्तान गायब हो गया रहता उस समय तक। तो ये लोग जो है आर्मेनी अजरबैजान के फेवर में, समझा गया। बाकी अमेरिका रूस ये लोग आर्मेनिया के साथ में, रूस तो आर्मेनिया को हथियार भी बेचने को तैयार है और भारत भी आर्मेनिया के साथ है और अजरबैजान भारत के साथ नहीं है। हमको दुनिया से क्या मतलब, हमको अपने से मतलब है, इंडिया से। तो देखिए भैया इंडिया जो है वो आर्मेनिया के साथ रहेगा, किसके साथ, आर्मेनिया के साथ। इससे फ़ायदा भी है, रूस भी आर्मेनिया के साथ है, अमेरिका भी आर्मेनिया के साथ है, यूरोपीय देश भी आर्मेनिया के साथ है और पाकिस्तान तुर्की हम लोग के साथ ही नहीं है, सबसे क्या मतलब है। अजरबैजान के साथ हम लोग का कोई खास रिलेशन नहीं है, आर्मेनिया को हम लोग हथियार बेचते हैं, कई टेक्नोलॉजी बेचते हैं। तो अभी क्या है कि ये लोग जो
IOC वगैरह हैं पाकिस्तान, ये लोग अपना बयान दे दिए हैं। भारत सरकार अभी कुछ ऐसा कोई काम नहीं की है, अभी उसने कहा है कि भाई स्थिति को नॉर्मल लेके चले, दुनिया जैसा होगा वो हिसाब से देखेगी। वैसे भी हम लोग के लिए तो फ़ायदा किसका है, आर्मेनिया की ओर से हम लोग का फ़ायदा है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई हमारा परमानेंट दोस्त नहीं होता है और कोई हमारा दुश्मन नहीं होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा मतलब होता है कि हमें फ़ायदा कब हो रहा है। याद कीजिए 1971 यही अमेरिका था जो भारत में परमाणु बम मारने के लिए आया था, और याद कीजिए यही 2020 है जब डोनाल्ड ट्रंप आके हाउडी मोदी और नरेंद्र मोदी, यही अमेरिका है ना जो नरेंद्र मोदी को वीज़ा नहीं देता था कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते हैं, आपको हम क्रिमिनल समझते हैं, और यही अमेरिका है जो बोला कि बर्गर खिला रहा है, खाइए हाउडी मोदी हाउडी मोदी। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कब क्या होगा किसी को नहीं जानते। रूस जो है चाइना पर बम मारने जा रहा था, चाइना के सारे नेता भाग गए थे सब, आज देखिए दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है। तो अभी के सिनेरियो में इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ा सब कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इधर नेपाल चल रहा है, इधर ये चल रहा है, इधर इसराइल चल रहा है। खैर इस पर जो अपडेट आएंगे उसको हम आगे बता देंगे आपको। और दूसरी सूचना, मैप का क्लास स्टार्ट हो गए हैं, और जो टॉनिक बैच था दरोगा बैच वालों के लिए उसका भी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, उसका भी क्लास कल से होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप ऐप पर जाके ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।